हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। सो दिस इज़ द पार्ट 7th ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12th बायोलॉजी। ओके, तो अब हम सेकेंड इवेंट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जो इवेंट्स होती है उसे बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का और एक नया सेल बन जाता है फ्यूजन के बाद, जिसे बोलते हैं जायगोट। ओके, तो जो जायगोट के बाद, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जो प्रोसेस होती है, अब हम उसे पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। ओके, तो फर्स्ट इज द जायगोट। तो अब हम जायगोट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो जायगोट होता है वो सारे ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, यूजुअली वाटर। और वो क्या होता है, मीडियम वाटर होता है यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ओके, वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जो जायगोट फॉर्म्ड होता है वो इनसाइड द बॉडी, मीन्स बॉडी के अंदर बनता है वो जायगोट ऑर्गेनिज्म में। ओके, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द एनवायरमेंट इट इज़ एक्सपोज टू। तो जो डेवलपमेंट होता है जायगोट का, वो डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी लाइफ, कैसी लाइफ साइकिल है और इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें वो रह रहा है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गे, तो जो ऑर्गेनिज्म फंजा और एल्गे के अंदर आते हैं, जायगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज़ रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखना, एंड डैमेज का मतलब हमें पता है कि उसे कोई हार्म ना हो। तो जायगोट एक थिक वॉल उसके आसपास डेवलप कर लेता है टू ताकि उसे कोई हार्म ना हो। इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन के पहले वो एक रेस्ट के पीरियड में चला जाता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, एज यू हैव रीड इन चैप्टर इन क्लास 11, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जायगोट डिवाइड्स इनटू डिवाइड्स बाय मियोसिस। तो जो जायगोट बनता है वो डिवाइड मियोसिस के थ्रू होता है टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, तो जिसके कारण हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। तो इसके बाद क्या, एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाता है। कंसल्ट योर क्लास 12th बुक एंड फाइंड आउट वॉट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जायगोट इन द ऑर्गेनिज्म विथ डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। जायगोट इज़ अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो एक जायगोट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो क्या इंश्योर करती है कि कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है जायगोट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। इवन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जायगोट। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक सिंगल सेल से ही एक पूरा ह्यूमन बींग्स बनता है, जिसे बोल और वो सेल कौन सा होता है, जायगोट। मीन्स जायगोट एक सिंगल सेल होता है जिससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का बनना। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम जायगोट। तो जो जायगोट जो हमने पढ़ा था, जो कि एक सिंगल सेल होता है ह्यूमन बींग्स में, तो वो जब डिवाइड होके उसमें जब डेवलपमेंट होता है तो वो एक नया सेल बना लेता है जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो। ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन माइटोसिस।
तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो जायगॉट क्या करता है, सेल डिवीजन करता है थ्रू माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. तो उसमें फिर सेल डिफरेंशिएशन भी होता है. वेल सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स. तो सेल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो. सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन. और सेल डिवीजन से क्या होता है, उस सेल में कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. तो जैसा कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले एक सेल बनता है, तो वो सेल कौन सा होता है, जायगोट होता है, जो कि डेवलप होके एम्ब्रियो बना लेता है. फिर एम्ब्रियो का जब मॉडिफिकेशन होता है तो उससे टिश्यूज़ बनते हैं, देन ऑर्गन्स बनते हैं, देन एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बना लेता है. ओके, तो वही लिखा है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. तो इससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. यू हैव स्टडीड अबाउट प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लासेस. जैसा कि आपने सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. नाउ नेक्स्ट इज, एनिमल्स आर कैटेगराइज इन टू ओविपेरस एंड वीविपेरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट और इनसाइड. तो हम कैटेगराइज करेंगे एनिमल्स को दो टाइप में, फर्स्ट इज ओविपेरस एंड सेकेंड इज वीविपेरस. तो ये हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर डेवलपमेंट जो जायगॉट का हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर बॉडी के बाहर हो रहा है. ओके, वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग. तो या तो वो जो एग फर्टिलाइज कर मीन्स जो एग ले कर रहे हैं वो फर्टिलाइज है या फिर अनफर्टिलाइज है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओविपेरस की, जिसमें दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्स. ओके, और गिव बर्थ टू यंग वंस. तो जब बर्थ देते हैं यंग वंस को, जिसे हम बोलते हैं वीविपेरस. ओके, इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द हार्ड कैल्केरियस शेल आर लेट इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट. तो जैसा ओविपेरस एनिमल्स में देखें एग्जाम्पल रेप्टाइल्स और बर्ड्स का, तो इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो कवर कैसे होते हैं, एक कैल्केरियस शेल होता है जिसके आसपास वो कवरिंग होती है शेल की, एंड लेट और वो कहाँ पे ले एग करती है, किसी सेफ एनवायरमेंट में, मीन सेफ प्लेस पे एनवायरमेंट के अंदर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन. अब इंक्यूबेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग एट अ राइट टेम्परेचर एंड अंडर द राइट कंडीशन सो इट कैन डेवलप. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई मदर बर्ड है दैट सिट्स ऑन हर एग, तो वो अगर एग के ऊपर बैठती है अनटिल दे आर रेडी टू हैच, तो जब तक कि वो रेडी नहीं हो जाता हैच होने के लिए, जब तक वो उसके ऊपर बर्ड बैठ जाती है. तो ये इंक्यूबेशन का एग्जाम्पल हुआ. यंग वंस हैच आउट. तो ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया. ऑन द अदर हैंड इन वीविपेरस एनिमल, तो जो वीविपेरस एनिमल्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो जैसा कि एग्जाम्पल गिवन है ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स आर वीविपेरस एनिमल, जिसमें कि जायगॉट का और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मदर्स बॉडी. द जायगॉट डेवलप्स इनटू अ यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो जो जायगॉट का डेवलपमेंट होता है तो वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है. आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, तो जब सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ हो जाती है एम्ब्रियो की, द यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो जो यंग वन होता है उसको फीमेल की बॉडी के बाहर डिलीवर किया जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन. तो अगर हम देखें प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन की, द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज़ ग्रेटर इन वीविपेरस एनिमल. तो जो सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होता है वीविपेरस ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि इसमें ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की जाती है एम्ब्रियो की, क्योंकि जो एग ले करते हैं जिन्हें बोला जाता है वीविपेरस, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है कि वो एग अंडा फूट ना जाए या फिर उससे कुछ हार्म ना हो. ओके, तो
ज़्यादा सर्वाइवल के चांस होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में, एग्जाम्पल हमने देखा ह्यूमन बींग्स का। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। तो जैसा फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखें तो जाइगोट, इसमें भी वही प्रोसेस होती है कि जाइगोट फॉर्म बनता है ओव्यूल के अंदर, एंड द आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स पेटल्स स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर्स विदर एंड फॉल ऑफ। तो इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो तो ओव्यूल के अंदर बनता है, पर फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो सेपल्स पेटल्स और स्टेमन्स होती है फ्लावर में वो गिर जाती है, ओके मीन्स फॉल ऑफ हो जाती है। कैन यू नेम अ प्लांट विच द सेपल रिमेन्स अटैच्ड? द पिस्टल हावेवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। पर जो पिस्टल होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अटैच्ड ही रहता है प्लांट से। द जाइगोट डेवलप्स इंटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इंटू द सीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है जो कि फर्दर एक फ्रूट बन जाता है, और जो ओव्यूल होता है वो बना लेता है सीड, डेवलप होके एक सीड बन जाता है, ओके तो जाइगोट से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से बनता है सीड। द ओवरी डेवलप्स इंटू द फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। तो ये इस जो है इसके आसपास एक थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं जिसे बोला जाता है पेरिकार्प, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो जब डिस्पर्जन होता है तो सीड जर्मिनेट होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस जब उन्हें मिल जाती है और वो एक नया प्लांट उगा लेते हैं, मीन्स एक नया पौधा उग जाता है, ओके तो अब हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। इसमें जो एस एस शो कर रहा है सीड्स को और पी शो कर रहा है पेरिकार्प को, ओके तो ये यहाँ पे दे रखा है पी का डायग्राम जिसमें जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो है सीड और उसके बाहर का स्ट्रक्चर है पेरिकार्प। ऐसा इस नेक्स्ट फिगर में देखें तो ये सीड्स हैं और उसके आसपास की लेयर जो थिक वॉल होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्प। इसमें अंदर ये सीड्स हैं और ये बाहर वाली पेरिकार्प है, एंड इसमें सीड्स ये हैं और बाहर पेरिकार्प है, ओके सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें, ओके थैंक यू।